हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू देविकास बायोलॉजी आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेंसरी ऑर्गन आई एंड ईयर लेट्स गेट आई वेयर इट इज लोकेटेड इट इज लोकेटेड इन सॉकेट ऑफ द स्कल कॉल्ड ऑर्बिट स्कल के अंदर एक सॉकेट है जिसे हमने कहा ऑर्बिट ऑर्बिट के अंदर आई प्रेजेंट होती है आई इज लोकेटेड इन द ऑर्बिट आई वॉल कंसिस्ट थ्री लेयर आई वॉल

एक्सटर्नल लेयर का इंटीरियर पोर्शन कॉल्ड कॉर्निया एक्सटर्नल लेयर है इसके पास डेंस कनेक्टिव टिश्यू है सो कॉल्ड स्क्लेरा एंड एंटीरियर पोर्शन कॉल्ड कॉर्निया नेक्स्ट लेयर इज मिडल लेयर ऑल्सो नोन एज कोरोज इट कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड लुक्स ब्लूश इन कलर दिस लेयर थिन ओवर पोस्टीरियर टू थर्ड ऑफ आई बॉल आई बॉल के पोस्टीरियर पार्ट टू थर्ड पार्ट ऑफ पोस्टीरियर ये लेयर थिन होती है एंड इट इज थिक एट द एंटीरियर पार्ट टू फॉर्म सीलियरी बॉडी मिडल लेयर आई बॉल के पोस्टीरियर पार्ट पर थिन होती है एंड एंटीरियर पार्ट पर थिक होती है एंटीरियर पार्ट पर मिडल लेयर बनाती है सीलियरी बॉडी ये सीलियरी बॉडी कॉन्टिन्यूस फॉरवर्ड टू फॉर्म आयरिस देन दिस सीलियरी बॉडी बिकम्स ट्रांसफॉर्म इन टू आयरिस आयरिस इज द विजिबल कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई आयरिस क्या है आई का एक विजिबल कलर्ड पोर्शन आई बॉल कंटेन्स लेंस आईबॉल के पास क्या है लेंस है किसकी हेल्प से वो रुका हुआ है हेल्थ बाय लिगामेंट अटैच टू सीलियरी बॉडी इन फ्रंट ऑफ लेंस लेंस के सामने क्या है अपर्चर सराउंडेड बाई द आयरिस इज कॉल्ड प्यूपिल सामने अपर्चर किससे सराउंडेड है आयरिस से देन इट इज कॉल्ड एस प्यूपिल मसल फाइबर रेगुलेट द डायमीटर ऑफ प्यूपिल प्यूपिल का डायमीटर कौन रेगुलेट कर रहा है मसल फाइबर थर्ड लेयर है इनर लेयर ऑल्सो कॉल्ड एज रेटीना इट कंटेन्स थ्री लेयर ऑफ न्यूरल सेल्स रेटीना के पास क्या है न्यूरल सेल्स की तीन लेयर हैं इनर लेयर गैंग्लियोन सेल्स इज प्रेजेंट मिडल लेयर बाइपोलर सेल्स इज प्रेजेंट एक्सटर्नल लेयर फोटो रिसेप्टर सेल्स आर प्रेजेंट देयर आर टू टाइप ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल्स आइस के पास टू टाइप ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं रोड्स एंड कॉन्स दीज फोटोरिसेप्टर सेल्स आर कंटेनिंग लाइट सेंसिटिव प्रोटीन्स कॉल्ड फोटोपिगमेंट फोटो रिसेप्टर के अंदर क्या प्रेजेंट है फोटोपिगमेंट विच इज लाइट सेंसिटिव प्रोटीन रोड जो रोड्स हैं वो डे लाइट फोटोपिक एंड कलर विजन होता है इसके अंदर कॉन्स के अंदर ट्वीलाइट स्कोटोपिक विज़ुअल्स होता है आप देखते हैं जो रोड्स फोटो रिसेप्टर है इट कंटेन पर्पलिश रेड प्रोटीन रोड के अंदर रोड्स के अंदर कौन सा प्रोटीन है पर्पलिश रेड प्रोटीन कॉल्ड रोडोप्सिन और विजुअल प्रोटीन इट कंटेन विटामिन ए इन ह्यूमंस, ह्यूमंस के अंदर देयर इज अ थ्री टाइप ऑफ कॉन्स

अब रेड ग्रीन और ब्लू के अलावा जो डिफरेंट कलर हम देखते हैं वो कैसे देखते हैं वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ दीज इनके अलग अलग बहुत डिफरेंट डिफरेंट जो कॉम्बिनेशन हैं एंड दे आर रिस्पेक्टिव फोटो पिगमेंट इसके अंदर डिफरेंट फोटो पिगमेंट होगा इसके अंदर डिफरेंट फोटो फोटो पिगमेंट होगा इसके अंदर डिफरेंट फोटो पिगमेंट होगा कॉम्बिनेशन कैसे कैसे बन सकता है रेड ब्लू का बन सकता है ग्रीन रेड का बन सकता है इस तरीके से जो वेरियस कॉम्बिनेशन बने गए इसकी वजह से दे कॉज सेंसेशन ऑफ़ डिफरेंट कलर्स, जिसकी वजह से हम बहुत सारे डिफरेंट कलर्स को देख पाते हैं अब अगर ये सारे कॉन्स इक्वली स्टिमुलेटेड हो जाते हैं तो हमें कौन सा कलर दिखाई देता है वाइट कलर इन आई बॉल एट पोस्टीरियर पोल आई बॉल के पोस्टीरियर पोल पर क्या होता है रेटिनल ब्लड वेसल्स एंटर करती हैं एंड ऑप्टिक नर्व क्या करती हैं लीव्स द आई आई बॉल के पोस्टीरियर पोल पर रेटिनल ब्लड वेसल्स एंटर एंड ऑप्टिकल नर्व लीव्स। दिस रीजन इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट ये रीजन को हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं क्योंकि फोटो रिसेप्टर इज एब्सेंट इन दिस रीजन इस रीजन में फोटो रिसेप्टर एबसेंट होता है अब ये जो ब्लाइंड स्पॉट है इस ब्लाइंड स्पॉट के लेटरल में ब्लाइंड स्पॉट के लेटरल में क्या प्रेजेंट है येलोइश पिगमेंटेड स्पॉट कॉल्ड मैक्यूला ल्यूटिया इज प्रेजेंट एंड मैक्यूलिया ल्यूटिया विथ सेंट्रल पिट कॉल्ड फोविया मैक्यूलियर ल्यूटिया सेंट्रल पिट के साथ मिलकर क्या बनाता है फोविया अब फोविया क्या चीज है थिंट आउट पोर्शन ऑफ रेटिना फोविया इज द थिंट पोर्शन ऑफ रेटिना कॉन्स आर डेंसली पैक्ड फोविया के अंदर क्या है जो कॉन्स फोटो रिसेप्टर है वो डेंसली पैक्ड है विजुअल एक्यूरिटी इज ग्रेटेस्ट फोविया में क्या है जो रिजोल्यूशन पावर होती है वो सबसे ज्यादा होती है स्पेस बिटवीन कॉर्निया

लेंस एंड रेटिना के बीच का स्पेस क्या कहलाता है विट्रस चैम्बर एंड फिल्ड विद अ ट्रांसपेरेंट जेल कॉल्ड विट्रस ह्यूमर अब नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ विजन हम कैसे देखते हैं यहां पे मैंने पीओटी लिखा है इट डोनेट्स पोटेंशियल सबसे पहले क्या होता है लाइट रेज रेटिना पर पड़ी देन कॉर्निया एंड लेंस जनरेट पोटेंशियल इट्स कॉल्ड हम पोटेंशियल भी बोल सकते हैं इम्पल्स भी बोल सकते हैं इन रोड्स एंड कॉन्स ये क्या है फोटो पिगमेंट इज प्रेजेंट रोड्स के अंदर क्या है रोडोप्सिन और विटामिन ए प्रेजेंट है ठीक है लाइट रे रेटिना पर पड़ी जिसकी वजह से क्या हुआ कॉर्निया और लेंस में पोटेंशियल और इम्पल्स जनरेट हो गया इन रोड्स एंड कॉन्स ओके okay, इतना क्लियर हो गया आप कॉर्निया और लेंस ने रोड्स और कॉर्स के अंदर कैसे जनरेट किया पोटेंशियल तो यहां पे देखते हैं फोटो पिगमेंट्स इन ह्यूमन आई इज कम्पोज ऑफ ऑप्सिन प्रोटीन एंड रेटिनल एल्डिहाइड और विटामिन ए जो ह्यूमन के पास फोटो पिगमेंट है उसके पास दो चीज प्रेजेंट है एक ऑप्सिन प्रोटीन एक रेटिनल एल्डिहाइड और विटामिन ए अब जैसे ही लाइट पड़ती है रेटिना पे लाइट डिसोशिएट्स रेटिनल फ्रॉम ऑप्सिन ये आपस में जुड़े हुए हैं ऑप्सिन एंड रेटिनल जैसे ही लाइट पड़ती है रेटिनल ऑप्सिन से अलग हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंसेस आर जनरेटेड इन फोटो रिसेप्टर सेल्स जिसकी वजह से फोटो रिसेप्टर सेल्स यानी रोड्स एंड कॉन्स पर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है जैसे ही ये पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है इट प्रोड्यूस्ड सिग्नल दैट जनरेट एक्शन पोटेंशियल इन गैंगलियोन सेल्स ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ है इसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है किसके अंदर गैंगलियोन सेल्स के अंदर थ्रू बाईपोलर सेल्स गैंगलियन सेल्स बाइपोलर सेल्स लास्ट अभी हमने देखा था ना इनर जो इनर लेयर है वो फर्दर थ्री लेयर ऑफ नर्व सेल्स तो ये वही हैं अब गैंगलियन सेल्स और बाइपोलर सेल्स के पास एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया देन एक्शन पोटेंशियल बाय ऑप्टिक नर्व्स ट्रांसमिटेड टू विजुअल कॉर्टेक्स एरिया ऑफ द ब्रेन ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ये एक्शन पोटेंशियल ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स एरिया में पहुंच जाएगा देन इन ब्रेन इंपल्स एनालाइज्ड अब ब्रेन हमारा इंपल्स को एनालाइज करेगा एंड इमेज फॉर्म ऑन द रेटिना और रेटिना के ऊपर इमेज को बना देगा दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ विजन नेक्स्ट सेंसरी ऑर्गन इज ईयर टू मेन फंक्शन ऑफ ईयर इज हियरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस बॉडी बैलेंस को मेंटेन करना और हियरिंग ईयर डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट आउटर ईयर मिडल ईयर एंड इनर ईयर आउटर ईयर आउटर ईयर के पास क्या क्या है पिन्ना जिसका काम क्या होता है कलेक्ट द वाइब्रेश वो वाइब्रेशन को कलेक्ट करता है और दूसरा पार्ट क्या होता है आउटर ईयर के पास एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स इट एक्सटेंड अप टू टिम्पेनिक मेम्ब्रेन और ईयर ड्रम एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स कहां तक एक्सटेंड है ईयर ड्रम तक अब फाइन हेयर एंड वैक्स सिक्रिटेड ग्लैंड प्रेजेंट इन द स्किन ऑफ पिन्ना एंड मीटर्स पिन्ना एंड मीटर्स जो कि आउटर ईयर के पार्ट हैं इनके ऊपर फाइन हेयर प्रेजेंट हैं और सेक्रेटिंग ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन और ईयर ड्रम कंपोस्ट कनेक्टिव टिश्यू विद स्किन आउटसाइड एंड विद म्यूकस मेम्ब्रेन इनसाइड। सपोज दिस इज ईयर ड्रम इट कंसिस्ट कनेक्टिव टिश्यू दिस इज कनेक्टिव टिश्यू ठीक है इसके आउटसाइड पे क्या होगा स्किन होगा और इनसाइड क्या होगा म्यूकस नेक्स्ट पार्ट ऑफ ईयर इज मिडल ईयर, मिडल ईयर इट कंसिस्ट थ्री ऑसिकल्स जो मिडल ईयर है उसके पास क्या है इट कंसिस्ट थ्री ऑसिकल्स ऑसिकल्स का क्या काम है इट इंक्रीज द ऑफ साउंड ट्रांसमिशन वेव टू इनर ईयर दीज ऑसिकल्स इंक्रीज द ऑफ साउंड ट्रांसमिशन ये इनर ईयर के पास साउंड ट्रांसमिशन की एफिशियंसी को बढ़ा देते हैं देयर इज थ्री ऑसिकल्स मैलस इनकस एंड स्टेप्स मेलेस मेलेस अटैच टू टिम्पेनिक मैम्ब्रेन और ईयर ड्रम ये जो फर्स्ट वाला ऑसिकल्स है ये क्या करता है ईयर ड्रम से अटैच होता है स्टेप्स अटैच टू ओवल विंडो ऑफ कोकलिया स्टेप्स क्या है ओवल विंडो से अटैच है कोकलिया के अब ईयर के पास एक स्ट्रेचियन ट्यूब भी प्रेजेंट होती है इसका क्या काम होता है दिस ट्यूब कनेक्ट्स मिडल ईयर कैविटी टू फेरिंग्स ट्यूब मिडल ईयर को फेरिंग से कनेक्ट करती है एंड हेल्प्स इन इक्वलाइजिंग द प्रेशर ऑन आई द साइड ऑफ ईयर ड्रम और हमारे दोनों कानों के ईयर ड्रम पर इक्वल प्रेशर को मेंटेन करने में इक्वलाइज करने में हेल्प करती है अब थर्ड पार्ट है ईयर का इनर ईयर फ्लूट फील्ड इन द इनर ईयर कॉल लेबरिंथ इनर ईयर के अंदर फ्लूट फील्ड होता है जिसे कहते हैं लेबरिंथ थ कंसिस्ट टू पार्ट बोनी लैबरिंथ एंड मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ ये जो बोनी लैबरिंथ है इट इज सीरीज ऑफ चैनल्स जो बोनी लैबरिंथ है ये क्या है एक चैनल्स की सीरीज है और इनसाइड दिस चैनल मेम्ब्रेनस लैबरिंथ इज प्रेजेंट ठीक है और इधर मेम्ब्रेनस लैबरिंथ इट इज आल्सो ऑफ टू टाइप्स राउंडेड बाय फ्लूड कॉल्ड इस पेरिलिम्फ जब मैमस लैबरिंथ फ्लूड से सराउंड होगा इट इज कॉल्ड पेरीलिम्फ वेन इट इज फिल्ड विद फ्लूड इट इज कॉल्ड एंडोलिम्फ जब मैम्रनस लेबरिंथ फिल्ड होगा देन इट इज कॉल्ड एंडोलिम्फ अभी हमने देखा था ना ओवल विंडो ऑफ कोकलिया तो कोकलिया क्या चीज है

ये मेम्ब्रेन क्या करती है पेरीलिम्फ पेरीलिम्फ क्या था जब लेबरिंथ लेलूट से सराउंडेड था देन इट कॉल्ड पेरीलिम्फ तो ये जो दो मेम्ब्रेन है ये पेरीलिम्फ को डिवाइड कर देती है अपर एंड लोअर में अपर वाला कॉल्ड स्केला वेस्टिबुलाई एंड लोअर कॉल्ड टिम्पेनी स्पेस बिटवीन कोकलिया कॉल्ड स्केला फिल्ड विद एंडोलिम्फ क् के बीच का जो स्पेस होता है उसे स्केला बोलते हैं जो एंडोलिम्फ से फिल्ड होता है एंडोलिम्फ क्या होता है वैन मेमसिंथ इज फिल्ड विद कॉल्ड एज एंडोलिम्फ अब एट द बेस ऑफ कोकलिया अब हम देखते हैं कोकलिया के बेस पर क्या हो रहा है एट द बेस ऑफ कोकलिया स्केला वेस्टिब्लाई एंड एट ओवल विंडो स्केला वेस्टिब्लाय क्या था अपर वाला जब पैर लिम्फ को डिवाइड कर दिया था दो में ना अपर स्केला एंड लोअर स्केला में देन अपर स्केला वेस्टिबुला एंड एट ओवल विंडो एंड स्केला टिम्पैनिंग ये क्या था लोवर वाला स्केला टिम्पैनी टर्मिनेट्स एट राउंड विंडो विच ओपन टू मिडल ईयर ठीक है कोकलिया के बेस पर स्केला वेस्टिबुलाए ओवल विंडो के अंदर एंड होता है स्केला टिम्पेनिंग राउंड विंडो के अंदर एंड होता है

एक्ट एज ऑडिटरी रिसेप्टर और ऑडिटरी रिसेप्टर की तरह ये काम करते हैं हेयर सेल्स प्रेजेंट इन द रोज ऑन इंटरनल साइड ऑफ ऑर्गन ऑफ कोर्टी ऑर्गन ऑफ कोर्टी के इंटरनल साइट पर हेयर सेल्स रोज में प्रेजेंट होते हैं अब द रो ऑफ हेयर सेल ये जो हेयर सेल की रोज थी उसके ऊपर क्या है थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट कॉल्ड ियल मेम्ब्रेन। रोज ऑफ हेयर सेल्स के अब उसके ऊपर ये जो हेयर सेल की जो रोज थी लाइन थी उसके ऊपर एक इलास्टिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं टेक्टोरियल हेयर सेल्स के दो एंड हो गए एक बेसल एंड एक एपाइकल पार्ट देन बेसल एंड का क्या है क्लोज कॉन्टेक्ट टू एफरे बेसल एंड ऑफ हेयर सेल इज इन क्लोज कॉन्टेक्ट टू एफर फाइबर एंड एपाइकल पार्ट ऑफ हेयर सेल इज़ इजेज प्रोजेक्शन और एपाइकल पार्ट के पास क्या प्रेजेंट है स्टीरियोसिल प्रोजेक्शन अब ये सब कहा पढ़ रहे थे हम एट द हमने देखा था है ना इधर एट द बेस ऑफ कॉकलिया दिस 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 अब हम पढ़ेंगे कोकलियर ओके वेस्टिब्युलर एपेरेटिस इज लोकेटेड वेस्टिबुलर एपेरेटिस है इट कंपोज थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल एंड ऑटियोलिथ इसके पास क्या क्या है थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल एंड ऑटियोलिथ ऑटोलिथ ईच सेमी सर्कुलर कैनाल लाइज इन अ डिफरेंट प्लेन एट राइट एंगल्स टू ईच अदर मैम्बरस कैनाल आर सस्पेंडेड इन द पेरेम्प ऑफ बोनी कैनाल कोकलिया के अब क्या प्रेजेंट है वेस्टिवर एपेटस प्रेजेंट है इट कंसिस्ट थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल एंड ओटोलिथ दीज कैनाल प्रेजेंट एट डिफरेंट प्लान एट राइट एंगल्स टू ईचर ओके मैमस कैनाल आर सस्पेंडेड इन पेरे लिम्प ऑफ बोनी कैनाल्स बोनी कैनाल्स के पेरिलिम पर मेमरस कैनाल क्या है सस्पेंडेड है द बेस ऑफ कैनाल इज स्वेलन इन बेस का क्या है कैनाल स्वेलन है विच इज कॉल्ड एज एम्प्यूला विच इज कॉल्ड एज एम्प्यूला एम्प्यूला कंटेन्स क्रिस्टा एम्प्यूलरिज प्रोजेक्शंस एम्प्यूला के पास प्रोजेक्शंस है विच इज कॉल्ड एज क्रिस्टा एम्प्यूलरिज क्रिस्टा एम्प्यूलिस हैज हेयर सेल्स एम्प्यूला के पास क्या है प्रोजेक्शन है जिसको हम कहते हैं क्रिस्टा एम्प्यूलरिस। एंड क्रिस्टा हैज हेयर सेल्स द सेक्यूल एंड उथ्रिकल कंटेन प्रोजेक्टिंग रिजिस कॉल्ड एज मैक्यूला मैक्यूला क्या है सेंसरी पार्ट द क्रिस्टा एंड मैक्यूला आर द स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑफ वेस्टिब्लर एपेरेटस अबव द कोकलिया वेस्टिब्लर एपरेटिस इज प्रेजेंट क्रिस्टा एंड मेक्यूला आर द स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑफ वेस्टिब्ल एपेरेटस जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेस ऑफ बॉडी बैलेंस एंड पोस्चर बॉडी बैलेंस करने के लिए एंड पोस्चर को मेन्टेन करने के लिए दिस क्रिस्टा एंड मेक्यूला इज रिस्पॉन्सिबल नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग साउंड वेव्स रीच टू एक्सटर्नल ईयर देन ईयर ड्रम साउंड वेव सबसे पहले एक्सटर्नल ईयर पर पहुंची देन ईयर ड्रम ईयर ड्रम ट्रांसमिट्स वाइब्रेशन टू ईयर ऑसिकल्स टू ओवल विंडो अब ये जो वाइब्रेशन है कहां पहुंच गया ईयर ऑसिकल से ओवल विंडो पर देन वाइब्रेशन रीचेस टू फ्यूड ऑफ कोकलिया कोकलिया के फ्लूड के पास पहुंच गया वाइब्रेशन एंड जनरेट वेव्स इन लिम्फ और लिम्फ के अंदर वेव्स जनरेट हो गई इंड्यूस रिपल इन बेसिलर मेम्ब्रेन अब बेसिलर मेम्ब्रेन क्या था कोकलिया की ही एक मेम्ब्रेन है देन अब क्या होगा बेंड द हेयर सेल्स दीज वाइब्रेशन बेंड द हेयर सेल्स एंड प्रेस अगेंस्ट टेक्टोरियल मेंब्रेन रोज ऑफ लाइन थी हेयर सेल्स की उसके ऊपर एक थिन मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी जिसे हमने कहा था टेक्टोरियल मेम्ब्रेन जैसे ही ये हेयर सेल्स की लाइन बेंड हुई इन्होंने क्या कर दिया टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को प्रेस्ड कर दिया एंड नर्व इंपल्स इज जनरेटेड और नर्व इंपल्स जनरेट हो गया अब बाय एफरेंट फाइबर्स हमने देखा था ना हेयर सेल्स के जो बेसल एंड था वो एफरेंट नर्व फाइबर्स के बहुत करीब था बाय एफरेंट फाइबर्स दीज इंपल्स बाय एफरेंट फाइबर्स दीज इंपल्स रीचेस टू ऑडिटरी कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन ब्रेन के ऑडिटरी कॉर्टेक्स पर ये इंपल्स पहुंच जाते हैं इंपल्स एनालाइज्ड एंड साउंड रिकोगनाइज देन इंपल्स एनालाइज हो जाएंगे और साउंड रिकोगनाइज हो जाएगा द सेंसरी ऑर्गन ऑफ आई एंड ईयर इज कंप्लीटेड Thank you, thank you for watching this video. If you like any part of my video, then please like and subscribe my channel. Thank you, thank you for watching this video. The chapter 21 is completed.